हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वेता रसोई घर। तो आज लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी मुरमुरा का लड्डू, यानी इसे बिहार में मुरही का लाई बोलते हैं। मकर संक्रांति में ये रेसिपी जरूर बनाई जाती है। तो चलिए बनाते हैं मुरमुरा लड्डू बहुत ही इजीली तरीके से एंड परफेक्ट लड्डू बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुरमुरा लड्डू बनाना। तो इसके लिए मैंने मुरमुरा ले लिया जिसे मुरही बोलते हैं। इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि सर्दियों के मौसम में मुरमुरा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कढ़ाई गर्म करके उसमें मुरमुरा ऐड कर दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि मुरमुरा अच्छे से क्रंची हो जाए। इससे मुरमुरा लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने मुरमुरा को एक बर्तन में निकाल लिया, देख सकते हैं मुरमुरा क्रंची सा हो गया है। उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें गुड़ ऐड कर दूँगी। गुड़ मैंने यहाँ पे मुरमुरा के हिसाब से लिया है, आप चाहे तो गुड़ को कट करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी गुड़ ऐड करेंगे तो थोड़ी देर बाद पानी में गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं थोड़ी देर बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, गुड़ में अच्छे से उबाल आने लगा है। गुड़ की जो चाशनी होती है उसे अच्छे से पकाना होता है, इसलिए गुड़ की चाशनी को मीडियम फ्लेम पे पकाएं। तो यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पे गुड़ की चाशनी को अच्छे से पका रही हूँ और गुड़ में बहुत ही अच्छे से उबाल आने लगा है। उबाल आने के बाद गुड़ का कलर चेंज हो जाता है, तो देख सकते हैं गुड़ में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है। इसमें मैं अदरक को मैंने कूट लिया था वो ऐड कर रही हूँ। इससे मुरमुरा का लड्डू बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी के साथ मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इलायची पाउडर मैंने ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाऊँगी। जब गुड़ इस तरीके से हो जाए इसमें मुरमुरा ऐड कर देना है। यह मैंने मुरमुरा ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लूँगी और अब गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं गुड़ और जो मुरमुरा है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हाथों में पहले पानी लगा लें, उसके बाद मुरमुरा लड्डू बनाए। यह मैंने हाथों में पानी लगा लिया और इस तरीके से गोल करके मुरमुरा का लड्डू रेडी कर लूँगी। आप अपने अनुसार लड्डू के साइज रख सकते हैं। मुरमुरा लड्डू जब भी बनाएं तो गुड़ और मुरमुरा गर्म होना चाहिए, इससे लड्डू एकदम परफेक्ट बन जाती है और अच्छे से गोल हो जाती है। जब सारे मुरमुरा लड्डू रेडी हो जाए तो इसमें थोड़ी देर हवा लगने दें, इससे मुरमुरा लड्डू एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप भी बनाएं मकर संक्रांति एंड सर्दियों के मौसम में ये मुरमुरा लड्डू, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।